बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, टेक्निकल ईजी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों का भी टेलीनॉर से बैलेंस कट रहा है, टेलीनॉर का मोबाइल नंबर से आप लोगों का बैलेंस जो है वो पैसे जो हैं वो कट जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में उसका सोल्यूशन बताऊँगा। कोई ना कोई आप लोगों के नंबर पे सर्विस जो है वो एक्टिवेट होती है, जिसके ज़रिए आप लोगों के पैसे जो हैं वो कट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। बहुत ही मैंने कोशिश की, जो हेल्पलाइन वालों से तो बात मैंने नहीं की, लेकिन आप लोगों को इजी स्टेप, इजी तरीका बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप लोग अपना बैलेंस जो है वो बचा सकते हो। आप लोगों का किस वजह से बैलेंस कट जाता है आप लोग खुद चेक करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टेक्निकल इजी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने माई टेलीनॉर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और उस पर आप लोगों ने अपने नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है माई टेलीनॉर ऐप। आप लोग अपने मोबाइल नंबर को कंट्रोल कर सकते हो, पैकेजेस देख सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, हर चीज़ यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप लोग कैसे चेक करोगे कि कौन सी सर्विस आप लोगों के पैकेज पे एक्टिवेट है, जिसके ज़रिए आप लोगों के पैसे कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं माई टेलीनॉर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के सामने। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे माई अकाउंट लिखा हुआ है नीचे, आप देख सकते हो माई अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं माई अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने माई अकाउंट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूजेज में आ चुके हैं, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे है सब्सक्रिप्शन। आप लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना है। मैंने जैसे सब्सक्रिप्शन में क्लिक किया है तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो दो तरह के ऑप्शन लिखे हुए, एक ऑफर्स है, दूसरा है डिजिटल सर्विस। ऑफ़र्स में आप लोगों का कोई भी पैकेज जो है, अगर आप लोगों ने पैकेज इंटरनेट का या कोई भी किया हुआ होगा तो आप लोगों को यहाँ पे सामने आ जाएगा। इसको आप लोगों ने जो है कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये आप लोगों ने किया हुआ है पैसों से, वही यहाँ पे आप लोगों को पैकेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो डिजिटल सर्विस, यहाँ पे डिजिटल सर्विस पे जो क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो आप लोगों के नंबर पे एक्टिवेट होती है। तो वो ये देख सकते हैं आप लोग, किड्स टीवी जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चार्जिंग है, जो तो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है, ना मैंने इस पैकेज को एक्टिव किया ना कुछ, खुद ऑटोमेटिक ये पैकेज एक्टिव हुआ। और मुझे देख सकते हैं यहाँ पे 15 रुपये जो है वो वीकली कट जाते थे मेरे अकाउंट से, नंबर से। तो यहाँ पे जो भी सर्विस यहाँ पे आप लोगों को लगी हुई होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे डीएक्टिव करने लिए है, डीएक्टिवेट कर लेनी है। अगर आप लोगों ने कोई अपने मर्ज़ी के मुताबिक सर्विस यहाँ पे एक्टिवेट की है तो आप लोग उसको छोड़ सकते हो। बाकी अगर कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस यहाँ पे लगी हुई है तो आप लोगों ने उसको डीएक्टिवेट करना है, क्योंकि यहाँ से ही आप लोगों का बैलेंस जो है वो कट हो जाता है। ये सर्विस ऑटोमेटिक ही कंपनी वाले जो है ना एक्टिवेट कर लेते हैं, हमको कोई पता नहीं होता है। जब हम बैलेंस करवाते हैं, इजी लोड करवाते हैं, तो हमारे पैसे जो हैं वो कट हो जाते हैं। तो जब भी आप लोग रिचार्ज करें तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे माई टेलीनॉर पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आ लेना है, और यहाँ पे आप लोगों ने डिजिटल सर्विस में देख लेना है कि कोई एक्स्ट्रा पैकेज जो है वो आप लोगों के नंबर पर एक्टिवेट तो नहीं है, ताकि आप लोग उसको डीएक्टिवेट करके बाद में आप लोग रिचार्ज करवा सको। तो मैं इसको डीएक्टिवेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे मेरे काम का ही नहीं है, तो मैं डीएक्टिवेट पर क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे किड्स टीवी, तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे येस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये जैसे येस पे किया है तो आप देख सकते हो यू हैव सक्सेसफुली डीएक्ट किड्स टीवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हमारी अब ये जो सर्विस है वो डीएक्टिव हो चुकी है। इस तरह से आप लोग अपनी टेलीनॉर का बैलेंस जो है वो बचा सकते हो, और इस तरह से आप लोगों का बैलेंस बच सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।